नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कानपुर में सिसामो विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को कानपुर को 520 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। लाल इमली चौराहा स्थित राजकीय कॉलेज मैदान पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सिसामो विधानसभा सीट के मतदाताओं में जोश भी भरेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के आने से पहले कार्यक्रम स्थल सहित सुरक्षा व्यवस्था सहित और भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। जनसभा स्थल और मेट्रो रूट के साथ ही जीआईसी मैदान को भी चमकाने की कवायद तेज हो गई है। जीआईसी मैदान में टाइल्स लगवाए जा रहे हैं, साथ ही वाटरप्रूफ जर्मन और हैंगर वाला टेंट लगाया जा रहा है। सड़क पर फैली मेट्रो की सामग्री को समेटकर वॉकिंग को पार्किंग जो है पार्किंग बनाया जा रहा है, जिससे कि आवागमन में दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में सुबह 11 बजे उतरेगा, वहां से 12:30 बजे लौटेंगे, वहीं से वह वापस रवाना होंगे। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि सीएमआर रोड, बरात शाला, कम्युनिटी हॉल, वाटर सप्लाई की लाइन और भैरव घाट का सौंदर्यीकरण आदि योजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के हाथों स्वामी विवेकानंद स्मार्टफोन टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत 8,000 युवाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। जैसे मैदान में रोजगार और लोन मेला भी लगेगा। रोजगार देने वाले करीब 50 कंपनियां आएंगी। लोन मेले में भी 20 से अधिक बैंकों से अफसरों को बुलाया गया है और यह ओटीओपी स्टार्टअप पीएम स्वनिधि एनआरएलएम किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को लोन देंगे। मंच पर भी सीएम 20 लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ दे सकते हैं। आगामी देखते हुए कि सीएम सर यहां पे हैं, मुख्यमंत्री हो गया रहे, क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की है? अब 29 तारीख को ऐसा प्रोबेबल है कि जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। एक जो लाभार्थी हैं उनको जो है वो लैपटॉप्स और बाकी चीज़ें वितरित करने के लिए, उसी क्रम में जो है वो ये यातायात व्यवस्था का और जो यहाँ पे कार्यक्रम स्थल है उसका निरीक्षण किया जा रहा है और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, हमारे ट्रैफिक के और बाकी सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं, सीपी सर खुद मौजूद हैं और हम लोग कैसे इसको सफल सुगम बनाए उस पर जो है विचार किया जा रहा है। सर, एक चीज़ ये भी देखी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री है और सामने अभी यहाँ पे सीसामो सीट भी है, तो बाहर से भी कुछ लोग आएंगे, बसेस होंगी, कई ट्रैफिक डाइवर्जन, वो हम लोग बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनके क्या प्लान है, कितने लोग उनके रहेंगे और कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उसको देखते हुए हम लोग अपने डाइवर्जेंस और प्लान पब्लिक में बताएंगे। थैंक यू।